हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। प्रधानमंत्री जी की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैंने बार बार अपनी वीडियोस में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि जब कभी भी कोई इशू सही से फ्लैग कर उनके सामने रखा जाए और वो कन्विंस हो जाएं तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। और इसलिए मेरा ये विचार है कि सरकार अच्छे पॉजिटिव सजेशंस वेलकम करती है। मैंने ट्रिपल डिवोर्स के मैटर में भी ये बात देखी और भी कई मुद्दों पे जो चीज़ें हमने कही वो सरकार ने मान ली। अब आप देखिए, ये बात जो मैंने कल के वीडियो में कही थी कि कुंभ मेले को अब जो उसके बचे हुए शाही स्नान हैं उनको सांकेतिक या सिंबॉलिक कर दिया जाए, कल का ये मेरा वीडियो है। आप देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जिस तरह रथ यात्रा पुरी में जुलाई में सिंबॉलिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे हुई, उसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इस पे हेयरिंग करनी चाहिए और ऑर्डर दे देना चाहिए कि वहां से उसको खाली कराया जाए, जितने लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए, 15 दिन बाद ही उनको वहां से भेजा जाए और एक सिंबॉलिक शाही स्नान जो 27 तारीख को होना है वो कराया जाए। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार भी इसका अब नोटिस लेगी। हमारे धर्म गुरु जो इतने 13 अखाड़ों के हैं वो बैठेंगे। स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और अपने आप में यह समझता हूं कुंभ के इस मेले को या तो सस्पेंड करेंगे या उसको टोन डाउन करेंगे। 12 साल बाद कुंभ होता है, आस्थाएं हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों को जाके जरूर वहां पर परमिशन मिलनी चाहिए जो 24 तारीख को 27 तारीख को बड़े शाही स्नान है, उनको पूरी धार्मिक परंपराओं के साथ पूरा होना चाहिए। और ये देखिए अब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट जो उन्होंने आज किया है, तो ये एक अच्छी सरकार की लक्षण लगते हैं कि अगर सरकार को लगता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए तो वो अपने स्टैंड को भी बदलते हैं और जनता की डिमांड को भी एक्सेप्ट करते हैं। मुझे ये देख के खुशी हुई कि कुछ अखाड़ों ने तो प्रधानमंत्री जी की बात को मान लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा अखाड़ा है उसके जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि ये 26 मई तक कुंभ का मेला चल देगा और परंपराओं के नाम पर वो इसको समाप्त करने को राजी नहीं है। सुन लीजिए उनको। के हिसाब से कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार राज्य सरकार वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा, 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निर्जनी गाड़े का सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए, तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है वो जाए। वैश्विक महामारी कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरि जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दशम, जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। क्या टीवी चैनल्स
इनको अब उतना ही बुरा भला कहेंगे जितना मौलाना साद को कहा था दिल्ली में तबलीगी जमात के? नहीं। और ये उनकी हिपोक्रेसी दिखाती है। मैं समझता हूं कि सारे धर्मगुरुओं को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लोगों को एडुकेट करना चाहिए कि कोई भी धर्म जो है वो जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। कोरोना के प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करें। हम एक बहुत सीरियस हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। अब सरकार ने यह भी आदेश दे दिया है कि सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर ही रिलाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।